फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। अच्छा, FA1 में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके हैं, अब दोबारा बनाएंगे बस उसमें। और यहाँ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपल वैल्यूज थी, हमने कॉपी दी थी और वो कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी जिसमें बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन और एक्रूअल्स, प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स होंगी, तीनों आ जाएंगे। हाँ, फर्स्ट ईयर में जिस तरह आप पढ़ते हैं उस टाइप। हाँ, एडजस्टमेंट क्या एडजस्टमेंट्स होंगी उससे हमें एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनेगी। एक्रूअल्स, प्री पेमेंट्स, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सब गिवन होंगे, उनको हम लोग वर्किंग करके एडजस्ट करके अपने एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो इसमें हम साथ साथ बनाते जाएंगे, वर्किंग करते जाएंगे। शुरू करते नंबर 1, सबको पहले ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। हाँ, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, इसके बाद ये कुछ एडजस्टमेंट्स आ गए। एडजस्टमेंट्स नीड्स टू मेक इन आवर अकाउंट्स आर एज फॉलोस। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये बैड डेट्स, इन्वेंटरी भी है, इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट है इसमें। ठीक है, एक्चुअल से प्री पेमेंट आएंगे। पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो 4 लाख रुपया बैलेंस दिया। अच्छा, एक मिनट। चार लाख सत्तर, क्या ये तो आंसर है? ये आंसर मैंने लिखे हैं आगे। प्रॉफिट आएगा हमारा 33,960 और बैलेंस शीट का टोटल आएगा 447,000। आंसर लिखे हैं हर क्वेश्चन क्या करना, अगर टैली हो जाए ना। तो स्टार्ट करते हैं। आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे पहले। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सेल्स आती है। सेल्स कितनी है? ये देखो, तो 5,80,000 सेल्स आ गई। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होती है, तो सेल्स रिटर्न नहीं दी गई इसके अंदर, सेल्स रिटर्न नहीं है। अब क्या आ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग याद है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक 1,17,000, परचेजेस ऐड करेंगे, परचेजेस हैं 4,59,000, परचेजेस आ गई। अच्छा, कैरेज इनवर्ट और परचेज रिटर्न दोनों नहीं है इसमें, कैरेज इनवर्ट भी नहीं है, परचेज रिटर्न में नहीं है। टोटल कर लेते हैं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, क्लोथिंग स्टॉक माइनस करेंगे, क्लोथिंग स्टॉक अभी यहाँ इसमें एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, नोट नंबर 4। क्लोथिंग स्टॉक है 1,35,000, माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 4,41,000। अच्छा, अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,39,000। अच्छा, इसके बाद हम एक्सपेंस माइनस करते हैं, आपने FA1 में पढ़ा था, लेकिन एक्सपेंस से पहले इसमें अदर इनकम्स ऐड होती हैं, नहीं वो फर्स्ट ईयर में होती है। अब क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करने से पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होंगे, एडिंग आ जाएगी ऐड अदर इनकम। अच्छा, अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, डिस्काउंट रिसीव, उसको बैड डेट में एडजस्ट कर देंगे, अलग से ले भी सकते हैं, उससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसे देखिए, अदर इनकम, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कुछ भी नहीं है। अदर इनकम फिलहाल नहीं देगी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल्स लिख दी है क्या क्या आ सकता है ना, यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होंगे, यहाँ तक हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
पहले मैंने सैलरी है, ठीक है यहाँ पर देखते हैं, पहला एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस है 81,900। अच्छा साथ में हमें इनके एडजस्टमेंट भी देखने होंगे, एक्रीड या प्रीपेड, एक्रीड या प्रीपेड सैलरी भी हो सकती है ना यहाँ पे। डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं। नहीं है, तो 81,900 एज इट इज आ जाएंगे। इसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 10,350। अब इसकी एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 5 में, ऑन December 31, 540 वॉज ओड फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बट एन इनवॉइस हैड नॉट येट बीन रिसीव्ड। सो ओड फॉर मीन्स एक्रूड हो गए ना पेबल। अच्छा एक्रूवल्स की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट एक्रूवल्स क्रेडिट, तो एक्रूवल से आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो 540 अब ऐड हो जाएंगे। ट्रायल तो ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 10,350, इसमें हम एक्रूड एक्सपेंस 540 ऐड कर लेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ देंगे 10,890। इसके बाद लोकल टैक्सेस हैं, ये लिखे हैं फॉर 15 मंथ्स टू 31 मार्च। अच्छा ये मार्च तक के हमने टैक्स पे कर दिया और ये हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है December 31, और टैक्स हमने पे किया है मार्च तक का, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का टैक्स प्रीपेड हो जाएगा। अच्छा 3 मंथ्स का टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये प्रीपेड होगा हमारा ना, प्रीपेड टैक्स। अब टैक्स सिक्स कितना है, 6,750, 750 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड कितने से करेंगे, सेवन हाँ ये 15 मंथ्स का रेंट है तो 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 मंथ्स का प्रीपेड रेंट आ जाएगा कितना, पॉइंट 1,350। अच्छा प्री पेमेंट की एंट्री क्या होती है, प्री पेमेंट्स डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, तो एक्सपेंस क्रेडिट मीन्स डिक्रीज, तो प्रीपेड माइनस हो जाएंगे, तो प्री पेमेंट से एक्सपेंस डिक्रीज होंगे। तो आप 6,750 में से 1,350 माइनस करेंगे तो करंट ईयर के टैक्स एक्सपेंस आ जाएंगे 5,400। इसके बाद बैंक चार्जेस 900, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक चार्जेस एज इट इज आ जाएंगे। ये तो हमारे ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस से कंप्लीट हो गए, अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे हमें ये डेप्रिसिएशन दिया है शॉप फर्नीचर का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस होगा, फिर ये डेप्रिसिएशन है प्रीमिसेस, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये बैड डेट्स की बात कर रहे हैं, नोट नोट 3 में बैड डेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ट्रायल बैलेंस में तो इरिकवरेबल डेट्स नहीं थे ना, यहाँ तो इरिकवरेबल डेट्स का कोई अमाउंट नहीं है, रिसीवेबल और अलाउंस पर रिसीवेबल दिए हैं, ठीक है। अब हमें बैड डेट्स कैलकुलेट करना होंगे, इसको पढ़ते हैं नोट 3। अ डेट्स ऑफ 2,250 इज इरिकवरेबल एंड इज टू बी रिटन ऑफ एंड रिसीवेबल अलाउंस इज टू बी इंक्रीज टू 2% ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल फिगर। अब ये बैड डेट्स हमें कैलकुलेट करना होंगे, इसके लिए हम बनाते हैं बैड डेट्स का टी अकाउंट, रिकवरेबल डेट्स ये अकाउंट सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब हमने पहले तो ये राइट ऑफ रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट ऑफ कितने की है 2,000 250, तो एंट्री क्या होगी, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट होंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर अलाउंस है, अलाउंस कैलकुलेट करना है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स 2%, ठीक है। अच्छा यहाँ वर्किंग कर लेते हैं हम, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हैं, 2% इंक्रीज 2% एट द रेट 2%, 2%, ठीक। अच्छा 2% किसका आएगा, रिसीवेबल्स का ना। है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल्स कितने गिवन है आपको,
2,40,750, इसमें से ये राइट ऑफ माइनस हो जाएंगे ना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 लाख कितना है 40,750। जब हमने राइट ऑफ किए थे 2,250 माइनस करेंगे ठीक है, और फिर इसका 2% कैलकुलेट करेंगे 4,770। अब इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल 1 जनवरी 4,320 माइनस करें, इंक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा 450। अच्छा इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाते हैं। अब ये इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करते हैं, ठीक है, अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे कितना आ रहा है 2,700, 2,700, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,700। इनकम स्टेटमेंट में बैडेड एक्सपेंस चार्ज होंगे 2,700, क्लियर, ठीक है। यहाँ से इरिकवरेबल डेट्स 2,700 माइनस करते हैं, अच्छा इसके बाद एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गए, अब एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे, ठीक है टोटल एक्सपेंस आ गया 1,05,040। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बैलेंस शीट बनाएंगे, सो बैलेंस शीट में पहले क्या लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट। अच्छा यहाँ नॉन करंट एसेट्स में पहले शॉप फर्नीचर है, शॉप फर्नीचर एट कॉस्ट 9,000। अच्छा जो हमने बैड डेट्स डेप्रिसिएशन एक्रुअल्स प्री पेमेंट में बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाए थे वो यहाँ यूज होंगे। अच्छा अब ये शॉप फर्नीचर की कॉस्ट आ गया, अब इसमें से माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में से दिया हुआ डेप्रिसिएशन अलाउंस 1 जनवरी 450, ये तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस हो, अब इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ऐड होगा तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 450, इसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तब ये ओपनिंग बैलेंस था 450, इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 450 ऐड होगा तो एक्यूमुलेटेड हो जाएगा 900। अब यहाँ से 900 माइनस करेंगे तो ये इसकी नेट बुक वैल्यू आएगी। सेकेंड एसेट है प्रेमिसेस, कॉस्ट है इसकी 56,000। अब इसमें इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 2,800 और इसमें हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 2,800 ऐड करेंगे तो एक्यूमुलेटेड हो जाएगा 5,600 माइनस कर देंगे और ये इसकी नेट बुक वैल्यू है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स आते हैं। इसके बाद करंट एसेट्स, इसमें हम पहले लिख लेते हैं क्लोथिंग इन्वेंट्री, ये क्लोथिंग इन्वेंट्री यहाँ दी हुई है आपको 1,35,000 क्लोथिंग इन्वेंट्री आ गई। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, बैकेट कहाँ से आ गया, अकाउंट रिसीवेबल, ओके अब यहाँ पे देखिए अकाउंट रिसीवेबल हमें गिवन है 2,40,750। अच्छा इसमें से 2,250 राइट ऑफ किए थे वो माइनस होंगे और फिर हम अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते हैं, और मैंने आपको बताया था अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स के इक्वल होता है, तो एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने हैं 4,770, जिसमें आपको अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे रिसीवेबल्स आ जाएंगे कुछ इस तरह से, रिसीवेबल्स आ गए ठीक है, इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल माइनस करेंगे तो ये नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे, ये मैंने यहाँ बैड डेट्स माइनस करके लिख दिया।
हाँ वो आ जाएगा। कैश और बैंक देख लेते हैं यहाँ कितना है। बीस कैश इन हैंड 120, कैश एट बैंक 18,300, कैश एट बैंक। अच्छा एक मिनट, ये भी रहेगा ना प्री पेमेंट। हाँ ये लोकल टैक्स हमारा प्रीपेड था ना, लोकल टैक्स ये भी आ जाएगा। तो मैंने प्रीपेड लिखा है, तो प्रीपेड कितने थे, 1350, 1350 प्री पेमेंट्स। तो बात फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, 120 कैश इन हैंड, 18,300 कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और अब तमाम एसेट्स को ऐड कर लेंगे, ये टोटल एसेट्स आ जाएंगे 4,47,000 टोटल एसेट आ जाएंगे। अब ओनर्स इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आता है, कैपिटल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, तीन चीज। कैपिटल कितना है, तो नहीं और ये रहे ये रहा प्रोप्राइटर्स रिटर्न्स कैपिटल 1,20,000। इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना था, 33,960। और ड्रॉइंग्स माइनस होंगी, ड्रॉइंग्स कितनी है, नहीं नहीं दी हुई, तो उसका सम कर लेते हैं। ये आ गई ओनर्स इक्विटी, ठीक है। ओनर्स इक्विटी के बाद लायबिलिटी। अच्छा लायबिलिटी में पहले हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद करंट आती है, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई नॉन करंट लायबिलिटी है तो उसमें नॉर्मली लोन लोन पेबल आ जाता है ना। कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट में क्या है, सही। तो पहले यहाँ देखते हैं करंट लायबिलिटी में, ये पेबल्स हैं, पेबल्स फॉर सप्लाईज 292,500, और बाकी बाकी नहीं है। यहाँ पे आए नोट नंबर 5, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट ओड है ना, एक्रूड है, ये 540 एक्रूवल्स हो जाएंगे हमारे। टोटल कर लेते हैं, इक्विटी और लायबिलिटीज को ऐड करेंगे, और ये इसका सम आ गया 4,47,000, और ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट है, ठीक है। कॉपी कर लें इसको।